तुमने अभी अभी करण से कहा ना कि तुम 9th फ्लोर पे जा रही हो, हमें 9th फ्लोर पे चलना चाहिए आग लगाने के लिए। आग? मैं तुमसे अभी अभी कहा, तुम्हारे अंदर प्रीता के लिए जो आग है उस आग को इतना भड़काओ कि तुम खुद एक आग बन जाओ और करण को लगे कि तुम उस आग में झुलस रही हो। हम वहां पर आग लगाएंगे और उसके बाद तुम करण को इन्फॉर्म करना। करण सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से तुम्हें बचाने आ जाएगा। अगर करण टाइम पे वहां से नहीं निकला तुम्हें बचाने के लिए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। हम आग उतनी ही लगाएंगे जितनी हम कंट्रोल कर सकते हैं, समझी तुम? अच्छा आइडिया है तुम्हारा, चलो चलते हैं 9th फ्लोर पे आग लगाने के लिए। ओलो, ये लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रही है? ये शाय शाय, व्हाट्स द बिग डील? शाय शाय। सॉरी, मैं साफ करके आती हूँ। फिर से मेकअप मत करना। मायरा, तुम ये सर्कल देख रही हो? ये सर्कल रेडी है। तुम पहले ये वाले हिस्से में आग लगाना, ठीक है? जैसे ही फिर करण की आवाज आएगी तुम बाकी के हिस्से में आग लगा देना, ठीक है? और ये कैप देख रही हो तुम, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन करण जब तुम्हें बचाने आएगा उसे कुछ पता नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड में रहेगा। लेकिन तुम्हें पता होगा अगर गलती से करण नहीं आया या उसे आने में देर हो गई तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो, ठीक है? समझ गए ना तुम? एक काम करो, करण को कॉल करो, उसे पैनिक मोड में डालो, उसे कहो कि यहाँ पर आग लग गई, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा तुम क्या करो, शर्लिन का कॉल नहीं रखा, प्लीज मुझे बचाने आओ। उसके बाद मैं करण को कॉल करूंगी, उसे डबल पैनिक मोड में डालूंगी। फिर देखना, चीते की तरह भागता चला आएगा करण तुम्हारे पास। अब करो कॉल, करो। शर्लिन, अगर उसके पहले यहाँ पर कोई और आ गया तो? मायरा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये 9th फ्लोर है। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम आग में फंसी नहीं हो, आग में फंसने की एक्टिंग कर रही हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही लोगों को पता चलेगा ना कि बिल्डिंग में आग लगी, वो लोग तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि लोगों के लिए आग बहुत अनसेफ होती है। कुछ नहीं होगा मायरा, जस्ट कॉल हिम। यस मायरा। करण, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। मायरा रिलैक्स, आराम से बताओ हुआ क्या है। वो मैंने बोला था ना कि मैं 9th फ्लोर पे हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ, वहाँ पर आग लग गई, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया, मुझे नहीं पता कि यहाँ आग लग गई है और मैं फंस गई हूँ। शर्लिन का फोन नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। करण प्लीज जल्दी आओ, यहाँ बहुत आग लगी हुई है। व्हाट, कौन से होटल में तुम? सिल्वर लीफ। जस्ट बी देयर, आई विल सी यू देयर, बाय। करण, ऐसे कैसे करण बिना कुछ कहे सिल्वर लीफ होटल चला गया? जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी तभी वो बिना कुछ कहे चला गया। मुझे भी वहां पहुंचना चाहिए। सुनो, 5 मिनट बाद यहाँ पे आग लगा देना, ठीक है? और जो करना प्लीज सर्कल से बाहर रहना, जैसे ही करण की आवाज आएगी बाद में आधे हिस्से पे आग लगा के यहाँ पे अंदर आना, तुम सेफ रहोगी। मैं नीचे जा रही हूँ करण को फोन करने के लिए, उसे डबल पैनिक मोड में डालने के लिए, ठीक है? आई बी देयर फॉर यू, जस्ट टेक केयर। क्या जरूरत थी मायरा को 9th फ्लोर पे जाने की यार? शर्लिन का फोन। हेलो करण, तुम कहाँ हो? पार्टी के वेन्यू पे पहुंच गए क्या? वो क्या है ना, मैं कब से मायरा का फोन ट्राई कर रही हूँ, वो कोई दिख भी नहीं रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। आई एम श्योर तुम दोनों साथ में हो गए। नहीं, मैं मायरा के साथ नहीं हूँ, वो वहाँ 9th फ्लोर पर फंस गई है, वहाँ आग लग गई है एक्चुअली। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन कर दो, जल्दी से उन्हें वहाँ बुलाओ। क्या, आग लग गई है? लेकिन तुम्हें किसने बताया? मेरी मायरा से फोन पे बात हुई थी। करण तुम फिक्र मत करो, मैं अभी फायर ब्रिगेड को कॉल करती हूँ और 9th फ्लोर पे जाके चेक करती हूँ कि मायरा ठीक तो है ना, उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। 9th फ्लोर पे आग लगी है, मायरा, मायरा कौन? कृतिका ने सब कुछ सुन लिया, आई एम श्योर वो 9th फ्लोर पे जाएगी।
लेकिन अब तक तो मायरा ने आग भी नहीं लगाई होगी और करण भी बहुत दूर है। अगर इसे पता चल गया कि वहां पर आग नहीं लगी है तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं मायरा को मैसेज करती हूँ कि जल्दी से आग लगा दे। शोलन, करण आ रहा है, आग लगा दिया। गॉड, अगर कृतिका ने जाके होटल मैनेजमेंट से हेल्प मांगी तो वो लोग उसकी हेल्प कर देंगे, तो जो हमारा प्लान है करण और मायरा को क्लोज लाने का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे कुछ भी करके कृतिका को रोकना होगा। वहां ट्राई करते हैं। सॉरी कृतिका, आई एम रियली सॉरी। अचानक से मेरा पैर लग गया, तुम इधर बैठो, इधर बैठो प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है और मैं जाके होटल मैनेजमेंट से बात करती हूँ। तुम यहाँ पे प्लीज आराम से बैठो, ठीक है? जस्ट टेक केयर। आपका कैसा होटल है? हमने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की और इतना गंदा डेकोरेशन किया आप लोगों ने। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे सारे गेस्ट बोल रहे कि छी इतना गंदा डेकोरेशन, हमारे रेपुटेशन के बारे में। तो सोचिए, आप फोन करके बोलिए अपने डेकोरेटर को। सॉरी मैम, मैं अभी चेक करती हूँ। जल्दी कीजिए। सॉरी मैम, एक्चुअली आपके इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करनी होगी। पार्टी हॉल तो हमारा है बट डेकोरेशन वाले बाहर से हायर किए गए थे। बट डोंट वरी मैम, मैं आपके इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करके आपको बताती हूँ। प्लीज़ जल्दी कीजिए। जी कृतिका, प्रीता, क्या हुआ तुम्हें? चोट लग गई थी। यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? तुम भी यहाँ हो? प्रीता, प्रॉब्लम हो गई है। 9th फ्लोर पे आग लग गई और महारा वहीं फंसी हुई है। हम सब लोग बहुत वरिड है। इनफैक्ट एक मिनट, महारा फंस गई है। मॉम का फोन? मॉम का फोन नहीं उठाना चाहिए, पूरे घर में पैनिक हो जाएंगे सब लोग। यही 9th फ्लोर है, इसी कमरे में आग लगी। हेल्प, हेल्प।
शालिनी ने कहा था सारी तरफ आग लगा देना। ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया, अब चारों तरफ आग लग गई है, मैं बीच में सेफ हूँ। करण आएगा और मुझे यहाँ से बचा के लेके जाएगा। शोर मचाती हूँ। हेल्प! ओह गॉड, ये अंदर से बंद क्यों है? हेल्प! 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 मायरा! मायरा! मायरा, ये मैं आ गई हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। यहाँ तो बहुत आग लगी, तुम प्लीज डरो मत, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, करण प्लीज जल्दी आ जाओ। कब आओगे तुम? मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है, होटल मैनेज भी किसी को बुला रहे हैं, लेकिन वो माहिरा वो 9th फ्लोर पे अभी भी अटकी हुई है। करण भाई रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। ये लड़की फिर से बीच में आ गई। अभी अगर करण के पीछे पीछे ऊपर गई तो आई एम श्योर ये करण और माहिरा के बीच का जो मूवमेंट है वो पूरा स्पॉइल कर देगी। अब मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। कृतिका, शालिन, 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 क्या हुआ? शालिन, क्या हुआ? पानी लेके आइए प्लीज। हाँ लेके आता हूँ। शालिन बैठो, शालिन आराम से। यू ओके? मायरा तुम ठीक हो? अरे तुम यहाँ आराम से कैसे बैठी हो? मुझे तो लगा तुम आग में फंसी हुई हो। तुम चलो यहाँ से, चलो फटाफट, बड़ा तुम चलो यहाँ से। तुम्हें क्या हो गया मायरा? देखो कितना धुआं हो रहा है, अगर ये आग फैल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो चलो, जाओ ना तुम। जाओ ना मतलब? मतलब तुम अच्छे से समझती हो? तुम क्यों करण के इतना करीब आने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है, ये तुम्हारा बेचारी बनने का नाटक, ये इमोशनल ड्रामा सब बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम माहिरा? वैसी बातें कर रही हो जैसी हमेशा से तुम करती आई हो। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से तभी आऊंगी जब करण मुझे यहाँ से लेके जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, और मेरे पास समझने का टाइम भी नहीं है। सुनो अभी तुम चलो यहाँ से, आग से खेलना अच्छी बात नहीं है।
क्या बात है, आग से खेलने वाली मुझे कह रही है कि आग से खेलना अच्छी बात नहीं है। बोला ना तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से तभी निकलूंगी जब खुद करण मुझे यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? या आग लग रही है और तुम कह रही हो कि इससे तुम्हें क्या मतलब कि कौन आए? तुम्हारा मतलब तो बचने से होना चाहिए। मैं पहुंच गई हूं ना, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं। जो करण जब तुम नहीं आए, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचने बचने की कोई जरूरत ही नहीं है। मायरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये आग खुद लगाई है? ये सब हरकतें कर तुम लोगों को परेशान कर रही हो, उन्हें बुला रही हो, उन्हें तकलीफ दे रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम बताओ ना, तुम क्यों करती हो ऐसा? ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती हो, लोगों को तकलीफ देती हो, क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं समझ में आता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये तुम्हारा बेचारी बनने का नाटक, ये हर बार प्रॉब्लम्स में फंस जाना। एक बार नहीं प्रीता, हजार बार प्रॉब्लम्स में फंसी हो, और करण हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर तुमको बचाता है। ठीक है, मुझे भी समझ में आ गया, मैं एग्जैक्टली वही करूंगी। मैं भी हजार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगी, उन प्रॉब्लम्स में खुद फंस जाऊंगी। रो रो के करण को बुलाऊंगी, करण मेरी हेल्प करने आएगा, और तुम देखना एक दिन करण मुझसे बहुत क्लोज हो जाएगा, उतना क्लोज जितना वो तुमसे। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। अब मुझे समझ में आ गया तुमने ये सब कुछ किया। समझ में आ गया ना? वेरी गुड, जाओ यहां से और करण से दूर रहना। एक्सक्यूज मी, मैं किसके पास रहूं, किससे दूर रहूं, किससे मिलूं, किससे नहीं, किससे बात करूं, किससे नहीं, मुझे तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है। समझी तुम? समझ गई, बहुत पहले समझ गई थी मैं कि तुम करण के लिए पागल हो। तुम उसकी लाइफ में, उसके घर में आना चाहती हो, उसे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। लेकिन प्रीता, ये बात बहुत अच्छे से ना अपने दिमाग में बैठा लो, करण मेरा है, उससे मेरी शादी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा करण। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि करण किसका है या उसकी शादी किससे हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर करण को मुझसे बात करनी होगी या मुझे करण से बात करनी होगी, तो ना मैं खुद को रोकूंगी ना करण को। क्यों रोकोगी? मौके का फायदा तो बहुत अच्छे से उठाती हो ना तुम। अभी भी पता है तुम इसके बाद क्या नाटक करोगी? यहाँ से सीधा जाओगी करण के पास, उसके सामने रोगी, गिड़गिड़ाओगी, उसको बोलोगी मायरा ने मेरे साथ ये किया, मायरा ने मेरे साथ वो किया, है ना? और तुम्हारे आंसू देख के करण पिघल जाएगा। यही सिंपैथी लेने जा रही हो ना? आज तक किसी और के नाम पे लेती थी, आज मेरे नाम पे लोगी? अरे चुप करो, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो सिंपैथी वर्ड से नफरत है। तुम्हें पता है सिंपैथी की किनको जरूरत होती है? जिनके रिश्ते में दम नहीं होता, जिन्हें अंदर पता होता है कि उनका रिश्ता बहुत कमजोर है। लेकिन करण और मेरा रिश्ता बाकी रिश्तों से बहुत अलग है। हमें अपना रिश्ता निभाने के लिए सिंपैथी की या किसी और के नाम की, कोई बहाने की, कोई एक्सक्यूज की, कोई आग की जरूरत नहीं है। रिश्ते बनाने के लिए दर्द की जरूरत होती है, हमदर्दी की नहीं। और मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि किसी की हमदर्दी पाने के लिए ये सब बेकार की हरकतें करूँ, ये सब ओछी हरकतें करूँ, खतरनाक हरकतें करूँ, कहीं आग लगा दूँ, लोगों को परेशान करूँ, उन्हें बुलाऊँ। ये सब तुम करती हो। देखना, ये जो आग तुमने लगाई है ना, किसी दिन इसी में अपना खुद का हाथ चला लोगी। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, जिस करण की तुम बात कर रही हो ना, उसे सबसे अच्छे से मैं जानती हूँ। करण किसी से भी शादी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तुमसे बात कर, तुम्हारी हरकतें देखकर इतना मुझे समझ में आ गया कि उसकी शादी तुमसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम पागल हो, पागल हो, पागल लड़की कहेगी। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे पता है तुम करण के पास जा रही हो ना, अब फिर जाके रोगी, गिड़गिड़ाओगी, उसे बताओगी कि मायरा ऐसी लड़की है, मायरा वैसी लड़की है, जैसा तुम सोचते हो वैसी लड़की नहीं है मायरा, मायरा ने वहाँ आग लगाई है, मायरा उस आग में खुद बैठ गई है, ये सब बताओगी ना तुम उसे जाके। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, उसको ये सारी बातें बताओगी और मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम उसके पास जाके ये नहीं साबित कर पाओगी कि मैं पागल हूँ। अरे चुप करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के पास जाकर बताऊँ कि तुम क्या हो क्या नहीं। मेरा ही दिमाग खराब था, मुझे लगा कि तुम्हें बचाती हूँ, लेकिन तुम तो बात करने के लायक नहीं हो। छोड़ो, तुमने बात नहीं सुनी ना मेरी। मैंने कहा ना
मैं करण को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। एक आग मैंने यहाँ लगाई है, अभी तुम जाकर एक आग वहां पर करण के दिल में लगाओगी ना, और वो तो तभी कर पाओगी अगर तुम वहां तक पहुंचोगी।